साख पत्र जिसे हम लोग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है। साख पत्रों की उत्पत्ति साख से हुई है। साख पत्रों का आशय ऐसे लिखित दस्तावेजों से है। दस्तावेज का मतलब होता है प्रलेख। दस्तावेजों से है जो किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी अधिकार का निर्माण करते हैं। ये ऐसे अधिकार पत्र हैं जिनके माध्यम से भुगतानों का निपटारा मांगने वाला किसी अन्य अवधि की समाप्ति पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में साख पत्र की परिभाषा को स्पष्ट कर सकते हैं। साख पत्रों का तात्पर्य उन प्रलेखों से है जिनका मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है एवं जिनके आधार पर साख या ऋणों का आदान प्रदान किया जाता है। इस तरह से हम लोग साख पत्र किसे कहते हैं इसके बारे में जाने कि साख पत्र क्या होता है। साख पत्र एक ऐसा प्रलेख होता है जिससे मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर साख एवं ऋणों का आदान प्रदान किया जा सके, वही साख पत्र कहलाता है। साख पत्र के आप देख रहे हैं इसके 6 रूप हैं, 8 रूप हैं। चेक या धनादेश जिसे चेक या धनादेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा है विनिमय पत्र। तीसरा है प्रतिज्ञा पत्र। चौथा है हुंडी। पांचवा है बैंक ड्राफ्ट। छठा है यात्री चेक। सातवां है साख प्रमाण पत्र। आठवां है ऋण स्वीकृत पत्र। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि चेक क्या होता है। सबसे पहला देखते हैं चेक होता क्या है। चेक या धनादेश। चेक शब्द अंग्रेजी के शब्द चेक के अपभ्रंश के रूप में हुई है। चेक शब्द अंग्रेजी के चेक जो चेक शब्द है यह अंग्रेजी के अपभ्रंश शब्द से उत्पन्न हुआ है। अमेरिका में आज भी चेक को चेक की तरह ही लिखा जाता है जो चेक के मूल उद्गम का आभास करता है। चेक को हिंदी में धनादेश कहते हैं। बैंक में जो राशि जमा की जाती है चेक वस्तुतः उनमें से रुपया निकालने का एक साधन है। जो हम लोग बैंक में रुपया जमा करते हैं चेक उन रुपयों को बैंक से बाहर निकालने का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग पैसा बैंक से बाहर निकालते हैं। बैंक द्वारा जमाकर्ता को चेक बुक दे दी जाती है जिसमें 10, 20 या 100 रुपए चेक हो सकता है उसके नाम 10-20 जितने भी आपके अकाउंट में पैसे हैं जितना आप निकालना चाहते हैं उतना उस चेक में भर करके हम लोग दे सकते हैं। चेक का एक नमूना भी हमने बनाया है जो भारतीय स्टेट बैंक लिखे हैं। यहाँ पर डेट और मूल्य रहेगा। यहाँ पर 26/22 इसका क्रमांक है 039 जो वही पन्ना संख्या दर्शाया जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर पेटू साहित्य भवन या कुछ भी दर्शा सकते हैं जो धारक होगा उसका मूल्य यहाँ पर अंक में अदा करें। इसके बाद यहाँ शब्द में लिखेंगे यहाँ अंक में लिखेंगे यहाँ पर सिग्नेचर होगा और यहाँ पर सेविंग अकाउंट भी दिखाया जाएगा। इस तरह से हम लोग चेक ले जाकर के बैंक में बनाते हैं। भारतीय किसान विधेयक अधिनियम की धारा 24 के अनुसार इसकी एक परिभाषा भी दी गई है। चेक या धनादेश की एक परिभाषा दी गई है कि भारतीय विनिमय शास्त्र में विनिमय की धारा 6 के अनुसार चेक की परिभाषा क्या होगी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारतीय विनिमय साध्य प्रलेख भारतीय विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है तथा जो मांग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से देय नहीं होता। जिस बैंक में उसकी मांग होती है उसी बैंक में वह पत्र देय होता है। भारत ने यह परिभाषा दिया है कि चेक की परिभाषा भारत ने दिया है
परिभाषा में कहा है कि एक हार्ट रहेगा। हार्ट टाइम की परिभाषा में चेक के बारे में बताया है कि चेक एक शर्त रही लिखित पत्र है। चेक एक चेक लेखक द्वारा हस्तांतरित बैंक के नाम शर्त रही एक ऐसा लिखित आदेश होता है जिसमें लेखक निर्दिष्ट व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या वाहक को मांग करने पर इसमें वर्णित एक निश्चित राशि के अनुसार भुगतान के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के करने का आदेश नहीं हो सकता है। हार्ट ने परिभाषा अपने मतानुसार दिया है। इसके बाद एक इसकी उपयुक्त परिभाषा है कि चेक एक शर्त रहित लिखित विपत्र है जिसमें लेखक किसी विशिष्ट बैंक को अपने हस्ताक्षर द्वारा एक निश्चित रकम किसी विशेष व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या धारक को मांगने पर देने की आज्ञा देता है। चेक की अनेक विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है लिखित पत्र। चेक सदैव एक लिखित पत्र में होता है। चेक हमेशा एक शर्त रहे। दूसरा पॉइंट है शर्त रहे। चेक हमेशा एक शर्त रहे आदेश देता है। अगला है बैंक विशेष। चेक सदैव किसी बैंक विशेष पर ही लिखा जाता है। अगला है निश्चित धनराशि। चेक सदैव निश्चित धनराशि के लिए लिखा जाता है। चेक पर अंकों तथा शब्दों में अंकित धनराशि में अंतर नहीं होना चाहिए, चाहे शब्द में लिखा हो या अंक में, दोनों की धनराशि बराबर होनी चाहिए। अगला है आदाता निश्चित। चेक के वाहक ना होने पर चेक में आदाता निश्चित होना चाहिए। अगला है तिथि। चेक पर तिथि आवश्यक रूप से होनी चाहिए। अगर चेक पर तिथि नहीं लिखी गई है तो चेक बैंक के द्वारा भुनाया नहीं जा सकता है। अगला है भुगतान प्राप्त करने के लिए चेक को बैंक के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अगर उसको प्रस्तुत बैंक के सामने नहीं करते हैं तो बैंक उसका भुगतान नहीं कर सकता है। अगला है लेखक का हस्ताक्षर। चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है जिसका मिलान बैंक ग्राहक के नमूनार्थ हस्ताक्षर से करता है। जो बैंक में आपका हस्ताक्षर सेव है उस हस्ताक्षर से चेक पर किए गए हस्ताक्षर को मिलाया जाता है। मिलाने के बाद ही बैंक से धनराशि का भुगतान हो सकता है। आज हम लोग साक्ष्य पत्र के प्रारूप में सिर्फ चेक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। चेक होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, हार्ट ने इसकी परिभाषा में क्या कहा है तथा इनकी विशेषताओं के बारे में, इसके साथ साथ चेक का नमूना क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विनिमय विपत्र क्या है, प्रतिज्ञा पत्र क्या है, क्योंकि एक एक पॉइंट अलग अलग उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, उसके गुण दोष के बारे में पढ़ते चलें जो हमारे लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।